उपमंडल नालागढ़ के तहत मितिया में एक गरीब परिवार पर कहर बनकर बरसी बारिश। जगह जगह से टूट गया गरीब का आशियाना। अब पूरा परिवार अपना घर छोड़कर गुरुद्वारा साहिब में रहने को मजबूर। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सरकार और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। उपमंडल नालागढ़ के तहत पहाड़ी हलके में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा और पहाड़ी हलके के लोगों के घर टूटने की कगार पर। ताजा मामला मितिया पंचायत का है, जहां पर एक गरीब परिवार पर भी बारिश का कहर बनकर बरसी है। कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण गरीब परिवार का आशियाना जगह जगह से टूट चुका है और अब गिरने की कगार पर आ चुका है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर आगे आए और उनकी ओर से पीड़ित परिवार के घर का जरूरी सामान गुरुद्वारा साहिब में शिफ्ट करवा दिया और अब पीड़ित परिवार भी साथ लगते गुरुद्वारा साहिब में रहने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सरकार और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। कुमार कौन सी पंचायत है? मितिया पंचायत। अच्छा, कैसे हुआ आपका जो मकान का ये लॉस हुआ? ये बारिश की वजह से हुआ ही। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, पूरा खंडित हो गया मकान। अच्छा। हाँ, ये कब की बात है? ये 3-4 रोज की बात है। अच्छा। मतलब जो परसों बारिश हुई उससे मतलब जो कमरे बचे हुए थे वो भी मतलब फट गए सारे। अच्छा, कोई और तो नुकसान? कोई और नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, सामान सामान निकाल लिया हमने पहले ही। ठीक है। लोगों ने मदद की सामान निकालने की। ठीक है। तो निकाल दिया, मैंने खुद JVC मंगवाई है अपने पैसों की, रोड ठीक कराया, ट्रैक्टर के साथ सामान मंगाया। तो फिर अभी कहाँ पे रह रहे हो आप? अभी तो मैं गुरुद्वारा में रह रहा हूँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे गुरुद्वारा ये? ए मंजी साहब जी। अच्छा, मंजी साहब। हाँ जी, हाँ जी, ये मितिया पंचायत में पड़ता, हमारी पंचायत में है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर और पशु बने? अभी पशु तो वहीं है, पशु को भी लेके आएंगे यहीं भाई, यहाँ कोई टेंट वगैरह लगाएंगे, कुछ करेंगे कुछ साधन। अच्छा, कोई पंचायत प्रधान, कोई सेक्रेटरी? सब आया जी, सेक्रेटरी प्रधान भी आया, उप प्रधान भी आया है, पटवारी भी आया है, पंच भी आया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो आया है, उन्होंने 2 तरपालें दी है मेरे को लाके। ठीक है। और 3,000 रुपया दिया। ठीक है। हाँ जी, वो अभी उसका फिर फोन आया था, अभी बोलता कोई और जरूरत होगी भाई तो मेरे को बताना। चलो ठीक है। और कोई शासन से आपकी कोई मांग? मांग वही है भी, मतलब अब देखा जाए मेरे को कोई सिस्टम बनाया जाए, जहाँ रहे बच्चे हैं मेरे। ठीक है। अब कहाँ जाएगा, छोटे छोटे पोते हैं मेरे 2। ठीक है। अब वो कहाँ जाएंगे, वो अब रहने की जब यहाँ तो चलो गुरुद्वारा है, अब गुरुद्वारे के पास तो हम रह रहे हैं। हम अगर मान लो गुरुद्वारा नहीं होता तो बताओ फिर हम कहाँ जाते हैं, यहाँ जंगल है पूरा। हाँ, या आके आप मौका देखो हमारा, पूरी पहाड़ी में रह रहे भी कैसे रह रहे हम। जब कोई आएगा तभी पता चलेगा, ऐसे क्या पता चलेगा किसी को? बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई हमारे पास आएगा, हमारी कोई समस्या देखेगा तभी पता चलेगा, तो मीडिया वाले को किसी को भी जी जो हमारे पास आएगा।